छतरपुर के चंदला थाना क्षेत्र के रानीपुर एक गांव में 13 जनवरी की शाम अधेड़ शख्स के साथ मारपीट हुई थी। ऐसी घटना में इलाज के दौरान घायल व्यक्ति की ग्वालियर में मौत हो गई है। वहीं व्यक्ति की मौत पर परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किए जाने की मांग की है। बता दें कि लवकुश नगर अनुविभाग के चंदला थाना क्षेत्र अंतर्गत रानीपुर गांव में 13 जनवरी को शाम करीब 7 बजे जब प्रहलाद सिंह अपने छत पर बैठा था, तभी आरोपी ने उसके घर में घुसकर के साथ बेरहमी से मारपीट की और घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। परिजनों के द्वारा मामले की सूचना पुलिस को दी गई। वहीं घायल को पहले चंदला अस्पताल से जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। जिला अस्पताल में उपचार के बाद घायल को गंभीर हालत में ग्वालियर के लिए रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 13 जनवरी को ही घटना के बाद चंदला थाना पुलिस ने 4 आरोपी के खिलाफ मारपीट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। ग्वालियर मौत के बाद जब मृतक का शव उसके गाँव पहुँचा तो परिजनों ने घर के बाहर लाश रखकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। परिजनों का कहना है कि जब तक पुलिस आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज नहीं करती, मृतक का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। वहीं एसडीओपी लवकुश नगर ने बताया कि इलाज के दौरान प्रहलाद सिंह की ग्वालियर में मौत हुई है। मर्ग डायरी ग्वालियर में है। कर्मचारी जैसे ही डायरी लेकर चंदला पहुंचेगा, मामले में 302 धारा का इजाफा किया जाएगा। साथ ही साक्ष्यों के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। ये लोग रंजस मानते हुए दिनांक 13/1/2023 को प्रहलाद सिंह के छत पर आकर गोविंद सिंह, सीएम सिंह, बलराम सिंह, जयराम सिंह ने मारपीट की थी, जिससे प्रहलाद सिंह बहुत बुरी तरह से घायल हो गए थे और अस्पताल ले जा गए। अस्पताल में देहाती नालसी पर इन चारों आरोपियों के विरुद्ध में अपराध क्रमांक 13/23 कायम किया गया था। फिर इनको इलाज के लिए छतरपुर भेजा गया था। प्रहलाद सिंह को छतरपुर में सीटी स्कैन होने के बाद उन्हें ग्वालियर रेफर किया गया था। ग्वालियर में दिनांक 15/16 की रात में इनकी मृत्यु हो गई। इसी घटना में आई चोटों की वजह से इनकी डेड बॉडी आज रात में यहाँ लाई गई है।